سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محبتك عجیب فیض آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا
پیر سید زمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان میں عرف کھڑی کے چند اشعار پیش کروں گا. فرمان دین صدا بہار دئی اس بار تے ملک دی خزانہ وے ہو فیض
ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਪੁਖਾ ਫਲ ਖਾ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਖਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਸਜਣਾ ਮੂੰ ਦੱਸ ਕਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਬਿਲਣੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਰੋਨ ਕੋ ਅੱਜ ਰੋ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾ ਆਸੇ ਆਸੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ तो अब मैं यानी एक आप सलाम का तरीका भी था कि सहाबा इकराम पीछे हों तो उन्हें फरमाते थे कि करीब होके बैठ जाओ तो वो करीब हो जाते थे। जब कहा जाता था महफिल में खुल के बैठ जाओ तो खुल के बैठ जाते थे। तो उसी सुन्नत को पूरा करते हुए मैं अपने तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो भी और बाकी यहाँ करीब भी जो बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा आप भी ज़रा आगे हो जाएं, ये कुर्सियों पे जो बैठे हुए हैं जो बैठ सकते हैं नीचे वो भी आगे आ जाएं, यहाँ पे भी जो
साहिबान जो बैठ सकते हैं सामने, आगे आ जाए सामने आ जाए ताकि देखने वाला नाथवान जो है उसको भी आदमी सामने से नजर आए। जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह। ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਤਾਈ ਮੋਹਤਰਮ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਗੰਜਾ ਕਮਾਲਾ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਾਈ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਹਦੀਸ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਕੋ ਜਲਵਾ ਅਫਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ जो आदमी चेयर पे बैठने के लिए मजबूरन जो बैठ रहे हैं वो ठीक हैं, बाकी जो है हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को एक स्वाब हासिल करने के लिए, ठीक है, ये एक सादत है हमारे लिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। अब मैं इस मौके से एक इस्तफादा करते हुए कुछ बातें जो हैं ऐसी आपसे शेयर करूँगा कि जो कुछ लोगों को पता है बहरहाल उनको दोबारा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराय हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नहायत मोहतरम हाफिज मुश्ताक साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो ये हमारे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि जितने भी हमारे अल्लाह के फजल में फजल से इस इलाके में नाथवान हैं वो अल्लाह पाक का करम है, एहसान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह है और इन हाफिज साहब की जो है वो मेहरबानियाँ हैं कि इन्होंने हम लोगों को वो जज्बा बेदार किया और इस नात शरीफ के पढ़ने के अदाएँ अंदाज तरीके सिखाए जिसकी वजह से आज हमारे पाकिस्तान लेवल पे भी और खुसूसन हमारे आज़ाद एडमिन के लेवल बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनकी बरकत से हैं। जज़ाकअल्लाह जी। तो कुछ बातें मैं शेयर करूँगा, कुछ वाकियात, क्योंकि आज जिस महफिल में आप मौजूद हैं तो उस हवाले से तारफ़ के तौर पे कुछ ऐसे वाकियात जो पेश हुए वालद साहब की ज़िंदगी में, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा बताने के लिए कि ये चीज़ें हुई हैं जिनके विटनेस यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से सामने मेरे वो बैठे हुए थे जनाब चौधरी सुल्तान साहब, इनकी ये क्योंकि अभी ये अगर यहाँ पे वाकया बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं मुख्तसरन उस बात को बताऊँगा कि एक दो दफ़ा इन्होंने ये वाक़या बयान किया है कि एक शख्स डॉक्टर था, दवाइयाँ दे रहा था, एक मरीज़ को दवाई देने के लिए आया, इंजेक्शन लगाने के लिए जब वो आया तो वालिद साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने वो डॉक्टर टीका लगाने लगा तो उसने कहा, उन्होंने पहले तो आके मिला ही नहीं, उन्हें उस तरह से पहचाना नहीं, तो बहरहाल वो दवाई देने लगा तो उन्होंने कह दिया कि जी इसका ये इलाज नहीं है। फिर उसके साथ ही उसने कहा जी क्या इलाज है, आप मैं तो डॉक्टर हूँ, आप तो डॉक्टर नहीं हैं, आप किस तरह से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इलाज नहीं है, इसका इलाज और है, बहरहाल आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपने जेब से एक छोटी सी दवाई निकाली और निकाल के उसको दे दी। उससे पहले उस मरीज़ की ये पोजिशन थी कि वो बाकायदा तौर पर यानी मुसलसल उसको इंजेक्शन लगता था कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता था या जिस तरह भी उस पोजिशन में रहता था फिर दोबारा उसे तकलीफ होती थी, बार बार उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। तो उन्होंने छोटी सी एक चुटकी निकाली, निकाल के दे दी, तो अल्लाह का फजल हुआ वो मरीज़ ठीक हो गया। और डॉक्टर जो था वहाँ पे उसने इनके पास पड़ गया और बैठ कर कहता है जी आप बताएं ये क्या किया आपने, मैं इतने अरसे से डॉक्टर हूँ, इतना काम कर रहा हूँ और मेरे तो उसमें आ नहीं रहा है, कैसे हुआ है, तो आप ये क्या चीज़ ऐसी दी है और क्या चीज़ है, ये दवाई नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर है क्या, क्या आपने ये काम कर दिया है, मुझे बताएं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बस ये एक चीज़ थी कर दी, दवाई थी, इसका इलाज ये था। मगर फिर उसने जब ज़्यादा डिटेल की थी आप बताएं कि ये है क्या, उन्होंने कहा बस यही है कि दुरुची पढ़ा करो और अल्लाह ताला करम करेगा, मरीज़ ठीक हो जाएंगे, यही उसको वहाँ फार्मूला दिया। उस डॉक्टर ने अपना सारा काम छोड़ दिया, वो सब कुछ दवाई वगैरह जो भी उसका था सब कुछ उसने छोड़ा, उसने यही काम, और अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा रखी और दुरुची पढ़ गई, उसके बाद इलाज करने लगा। तो इस तरह के वाकयात कई हैं। बहरहाल अब जैसा कि हमारे नहायत मोहतरम हाफिज मुश्ताक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनसे गुजारिश करूँगा कि आज की इस महफल का आगाज तलावत कुरान पाक से फरमाएं। जनाब हाफिज मुश्ताक साहब।
پی صاحب آپ تشریف لائیں. درود شریف پڑھنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياء Oh,
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي